Hello everyone and welcome back to your DSL English classes, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. So friends, class ko shuru karne se pehle ek chhota sa ek shayari main aap logo ke liye padhna chahunga, ek motivational shayari. Hausle bhi kisi hakeem se kam nahi hote, kisi kehne wale ne khoob kaha hai, kisi kehne wale ne khoob kaha hai. हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं. बहुत बड़ी बात कही है किसी ने. सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. फटाफट से क्लास के अंदर आ जाइए, क्लास में आ जाइए. यस, क्लास में आ जाइए. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. एंड टुडे टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्लास. सो वेल फ्रेंड्स, you're watching your practical public speaking trainer Sandeep Mudgal, and I always help my students overcome their fear of public speaking and deliver amazing presentation. I always help those who want to speak English confidently, naturally, and those who want to speak English like a sound like a native speaker. I always help them as well. So guys, in this lesson I'm going to teach you many alternatives and many different अल्टरनेटिव टू से सॉरी. आपको लगता है दोस्तों, कई बार अपनी लाइफ में कुछ गलती होने पर, कुछ बड़ी मिस्टेक्स होने पर, राइट, किसी को कमेंट्स का रिप्लाई ना देने पर, जैसे मैं भी कई बार कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाता, तो सॉरी जो वर्ड है या आप किसी को बोलते हैं, तो डिफरेंट वेज टू सॉरी को आज हम सीखने वाले हैं. और ये जो सॉरी वर्ड है, स्पोकन चैलेंज में आज ये वर्ड मैं आपके साथ लेकर आया सॉरी. स्पोकन इंग्लिश में मैं आपके साथ तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहा हूँ. धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट्स कैसे कैसे बनाऊंगा, कैसे कैसे चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा. ओके, सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ इम्प्रूव्ड. ओके, फटाफट से क्लास के अंदर आ जाइए, बहुत मजा आने वाला है. येस, यू हर्ड मी राइट, दिस क्लास इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास. बहुत मजेदार क्लास मैं आपको देने वाला हूँ आज की क्लास में. और बस आप लोगों का यही प्यार बना रहे, जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए. आपके लाइक मोटिवेशन देने का काम करते हैं, तो लाइक रुकने नहीं चाहिए दोस्तों, मिलते रहने चाहिए आपके लाइक, कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स. ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आजिए फटाफट से आजिए. अभिषेक बोल रहे हैं सर, योर ऑल लेक्चर्स वेरी अमेजिंग. ओके, ठीक है, कुड यू प्लीज टीच मी फ्रॉम बेसिक. लाइक कर दिया सर, एक है. चलो, चलो, तो आ चुके हैं सभी क्लास में, फटाफट देखते हैं क्या करने वाले हैं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलो शुरू करते हैं. तो यहां पर आप अपनी लाइफ में सॉरी को कहने के कितने तरीके अपनाते हैं, और आज मैं सॉरी के अलावा आपको बताऊंगा और क्या ऐसा अल्टरनेटिव हो सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ. तो इस वीडियो में एंड तक जरूर रहिएगा. आज देखिए क्या नया होने वाला है, क्या नया सीखने वाले हैं आज हम, क्या नई चीज करने वाले हैं आज हम. तो सॉरी के कुछ अल्टरनेटिव आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों. देखेंगे वो उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर्स के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ सिखाऊंगा आज मैं. तो यहां पर सबसे पहला वर्ड आप जो हमेशा बोलते हैं, सॉरी, मुझे खेद है, राइट. आप जब बोलते हैं गलती हो गई, जब मांगते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सॉरी, कुछ बोलते हैं आई एम सॉरी, कुछ बोलते हैं आई एम सो सॉरी, और कुछ बोलते हैं आई एम वेरी सॉरी, कुछ बोलते हैं आई एम रियली सॉरी, कुछ लोग बोलते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी.
बहुत ज्यादा, जहां पर आपको लगता है कि गलती हुई वहां पर बोलते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और लास्ट में कुछ बोलते हैं आई एम टेरेबली सॉरी, आई एम टेरेबली सॉरी। यहां तक तो देखिए कुछ ना कुछ तो बात होगी कि आप सॉरी मांग रहे हैं भाई, यूं तो सॉरी आप कह ही नहीं रहे किसी से ना, कुछ ना कुछ तो बात ऐसी रही होगी कि आप सॉरी कह रहे हैं। तो आज हम ये सीखेंगे इन सॉरी वर्ड्स को भी कैसे हम कनेक्ट कर सकें, आगे कनेक्ट करना सीखेंगे, और साथ में कुछ नए मजेदार अल्टरनेटिव भी सीखने का हम काम करेंगे। राइट, आज ये फटाफट से क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। तो यहां पर सबसे पहला वर्ड है सॉरी। आप सॉरी बोलना चाहते हैं, आई एम सॉरी बोलना चाहते हैं, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी। इन सब में आपको करना है क्या है दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे साथियों, करना क्या आप लोगों को? देखिए यहां पर आप लोगों को ये जो सॉरी है, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, सॉरी, राइट, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और आई एम टेरिबली सॉरी। एक एक करके क्या करेंगे, ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, जो सॉरी आप बोलते हैं, ये किसी वजह से तो बोलते होंगे आप, इसीलिए तो बोलते होंगे आप। तो जिस वजह से बोलते हैं, जिसके लिए बोलते हैं, तो हमें क्या करना है, इस सॉरी को ना हम टू से कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे, हम टू से कनेक्ट करेंगे, मतलब इन सभी के साथ आपको क्या करना होगा, टू प्लस वी वन का इस्तेमाल करना है। आपके कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, जैसे ही आपको पता चल जाए तो आपको तुरंत कमेंट्स शुरू कर देना। किस तरह से, सॉरी के साथ आपको क्या लगाना है, टू। बच्चे क्या लगाना है आपको, टू, और टू के साथ आपको आजीवन क्या यूज करेंगे, वी वन। तो किस तरह से, सॉरी टू हर्ट यू, मुझे दुख है कि मेरी वजह से आपको इस तरह से आपको दुख उठाना पड़ा या आपको ये सारी चीजें करनी पड़ी, आई एम सॉरी टू हर्ट यू, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था, सॉरी टू हर्ट यू। आप मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, रिपीट कर लीजिए मेरे साथ, सॉरी टू हर्ट यू। कैसे बोल सकते हैं, सॉरी के साथ बोलेंगे सबसे पहले, सॉरी के साथ, ठीक है, सॉरी टू हर्ट यू, सॉरी टू हर्ट यू, है ना, सॉरी टू, देखिए टू लगाया मैंने और उसके बाद हर्ट वी वन लगाइए, सॉरी टू हर्ट यू, सॉरी टू हर्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू। इंटरप्ट कैसे, जैसे आप दो लोग खड़े हैं आपस में बात कर रहे हैं, मुझे लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए तो मैंने कहा सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, राइट। उसके बाद सॉरी को फिर से तीसरी कंडीशन में, सॉरी टू ऑफेंड यू, ऑफेंड का मतलब होता है किसी का इंसल्ट वगैरह टाइप में कर देना, सॉरी टू नीचा दिखाना टाइप में, सॉरी टू ऑफेंड यू, सॉरी टू ऑफेंड यू। भाई किसी ने किसी चीज के लिए आप सॉरी मांग रहे हैं, तो पहला आप देख लीजिए, कोई भी वर्ड आप बोलते हैं, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी, इन सब के साथ आपको पहला जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं, देखिए कितना सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल लॉलीपॉप बना दिया मैंने इंग्लिश को दोस्तों। तो यहां पर इन सभी के साथ, इन सभी के साथ आपको टू लगाना है और वी वन लगानी है, राइट, सॉरी टू हर्ट यू, आई एम सॉरी टू हर्ट यू, ठीक है, देखिए इस तरह से, सॉरी टू हर्ट यू, आई एम सॉरी टू हर्ट यू, I'm so sorry to hurt you. I'm very sorry to hurt you. I'm really sorry to hurt you. I'm extremely, extremely मतलब बहुत ज्यादा, जब आप sorry में बहुत ज्यादा आप लगाना चाहते हैं, I'm extremely sorry to hurt you. मेरा इरादा नहीं था ऐसा, ठीक है, आपका दिल दुखाने का, I'm extremely sorry to hurt you. And I'm terribly sorry to hurt you. ये दोनों जो है वो ज्यादा के लिए, क्लियर। तो अब क्या करना है आप लोगों को, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और आई एम टेरिबली सॉरी में अब आपका टर्न है। ये चैलेंज आप लोगों के लिए दोस्तों, ये आप लोगों के लिए तो मेहनत कर रहा हूं मैं, अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तभी तो, देखिए आपके लिए तो मैं आया हूं यहां पर,
राइट कि आप अपने घर पर बैठकर आसानी से अपने सिस्टर ब्रदर किसी के साथ बैठकर आप इस क्लास को ले सकें, चीजों को सीख सकें। आप लोगों के लिए तो लेकर आ रहा हूं, तो देखिए आप बोलोगे नहीं तो कैसे बोलना आएगा। हाँ बच्चे देख पा रहा हूं आप बोल नहीं रहे, केवल सुन रहे हैं। सुनने के साथ आपको बोलना भी है, क्या करना है आपको, बोलना भी है मेरे साथ, राइट। अब मैं आपको दूंगा यहां पर 1 मिनट का टाइम, और 1 मिनट में आप लोगों को मुझे बताना है कि आप इन सभी पे सॉरी आई एम सॉरी आई एम सो सॉरी, इनमें से आपको बहुत अच्छा कौन सा लग रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है। देखिए क्या करना है आपको, बदलकर बोलना है। हमेशा आप बोलते हैं सॉरी आई एम सॉरी, लेकिन एक बार फिर से, लेकिन दोस्तों मेरे साथियों आपको करना क्या है, अब आपको चीजें चेंज करनी है। देखिए जब तो आपको नहीं पता था कि और अल्टरनेटिव्स क्या है, अभी तो बहुत है कि अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी तो फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। बहुत कुछ सिखाने वाला हूं आज की क्लास में, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराने वाला हूं मैं आज आप लोगों की। प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा ना दोस्तों, आपके जुबान पर से इंग्लिश यू निकलना शुरू हो जाएगी, अपने आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, बस आप यहां पर जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसे करते रहें। तो इन सभी पर 2 लगाकर जो आपको फेवरेट लग रहे हैं, जो आपके फेवरेट लग रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये मैं आज से ये बोलूंगा, आज से ये मैं बोलूंगी, तो इन 7 में से आपके कोई भी 5 अपने फेवरेट बना लीजिए। मैं कह रहा हूं कि 7 के 7 अगर नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी 5, कोई भी 5 आप अपने दिमाग में रख ले, अगर 7 रख ले तो अच्छी बात है। तो फटाफट से इन 7 पर 2 लगाकर कुछ एक सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो सही, देखता हूं आप लोगों के कमेंट्स क्या बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, राइट। तो मैं आपके नाम लेकर बोलूंगा आपके सेंटेंसेस कि आप कितना बना रहे हैं। तो अब चलो सॉरी की सीरीज में बात करते हैं, अब आप लोगों का टर्न है, अब आप बोलेंगे आप बनाएंगे और अभी मैं देखूंगा, उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। ओके हाँ, आई एम सॉरी टू हर्ट यू, I'm really sorry to break your heart. Neha Kumari, Bina Dikshit, okay. Abdul Rahim, Arvind, Bina Dikshit, okay. बहुत सुंदर, बहुत बड़े. God bless you everybody. Those who are trying, जो मेहनत कर रहे हैं, God bless you यार, बहुत सुंदर. देख रहे हैं एक इस चीज को मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, इस उस शायरी को मैं शायरी को फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आप बनाते रहिए. हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं, राइट। तो दोस्तों आप अपने हौसले को बनाए रखिएगा, राइट, आप अपने हौसले को हमेशा हाई रखिएगा, हाई जोश पे रखिएगा। हाउ द जोश, कैसा जोश है आप लोगों के अंदर आज, हाउ द जोश, अपने जोश को कभी भी नीचे नहीं लाना, हाई रखना है, यस, और अपने आप को बोलना है I'm the best, I'm the great, I'm the best, I'm the great. मेरी नजरों में आप बेस्ट हो, मेरी नजरों में आप ग्रेट हो, और मेहनत आपने इतना मान लिया ना तो 50% आपका काम खत्म, 50% आप करना शुरू कर दीजिए, आप 100% परफेक्ट हो जाएंगे। चलो शुरू करिए फटाफट से। ओके नाम ले रहा हूं अब्दुल हाकिम, सुचिता पांडे, स्वाति कुमारी, वरुण यादव, बनाते कमेंट्स करते, जब तक नेक्स्ट पेज आपकी स्क्रीन पे नहीं आएगा आपके कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, राइट। ये आपका देखिए हर बात में चैलेंज लेना है आप लोगों को, आपको जब तक नेक्स्ट स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, जब तक आप कमेंट्स फॉरवर्ड से देख रहे हो मैं क्या कर रहे हैं आप यहां पर। योगिता, पवन, अभिषेक, बहुत सुंदर बेटा, गॉड ब्लेस यू, चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, यहां पर एक स्ट्रक्चर हमने सीखा 2 के साथ, दूसरे चैप्टर पे चलते हैं कि यहां पे इनके साथ हम और क्या ऐड ऐसा कर सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा और कुछ नया हम सीख पाए। चलो देखते हैं कि क्या है हमारे पास नया, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट है सेम सारी चीज वही है, सेम सारी चीजें वही है, सॉरी आई एम सॉरी। हाँ बच्चे दिमाग कहाँ है, इधर आ जाइए फटाफट से, नेक्स्ट सीरीज आ चुकी है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ चुका है, नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्या करा रहा हूं मैं यहां पर, नेक्स्ट क्या करा रहा हूं, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, सॉरी आई एम सॉरी आई एम सो सॉरी। जो जितना भी अभी आपने 2 के साथ सीखा था कि 2 के साथ V1 लगा के कैसे बोलना है, 2 के साथ V1 लगा के कैसे बोलना है, अब इसमें थोड़ा सा एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, देखिए यहां पर थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, देखें यहां पर ये रहा स्ट्रक्चर आप लोगों का।
अब क्या करना है आप लोगों को, इसमें आपको टू के साथ से और दैट और लगाना है, मतलब सॉरी टू से दैट, मुझे बोलते हुए खेद है, मुझे बोलते हुए खेद है कि किस चीज के लिए खेद है, बताना तो पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा ना कि भी मुझे कहते हुए खेद हो रहा है, मैं अंदर से एक बड़ा महसूस शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं, राइट? तो क्यों कर रहे हैं? तो वहां पर आपको एक स्ट्रक्चर लगाना होगा। स्ट्रक्चर में क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट कांट प्लस वी विन, मतलब आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस वी विन आपको लगाना होगा, ये आपको लगाना होगा, मतलब टू से दैट। अब क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, सॉरी टू से दैट, राइट? और उसके बाद सॉरी टू से दैट के बाद ये स्ट्रक्चर जो है, मतलब सब्जेक्ट कांट एंड वी विन, सॉरी टू से दैट, माफ कीजिएगा, मैं कह, ठीक है, मैं कह रहा हूं मुझे माफ कीजिएगा कि क्यों माफ कीजिएगा कि देखिए यहां पर, सॉरी टू से दैट आई कांट हेल्प यू, सॉरी टू से दैट आई कांट हेल्प यू, मैं कहते हुए माफी मांगता हूं आपसे कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से मदद मांगी या आपसे किसी ने मदद मांगी और आप उस कंडीशन में नहीं है कि आप उसकी मदद कर पाए, तो आप पता है क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे आप? आप बोलेंगे सॉरी टू से दैट आई कांट हेल्प यू, सॉरी टू से दैट आई कांट हेल्प यू, सॉरी टू से दैट आई कांट गो देयर। किसी ने आपसे कहा बेटा वहां चले जाओ, मेरा काम कर दो, आपने कहा भाई मुझे कहते हुए खेद है या मैं माफी चाहता हूं, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं वहां नहीं जा सकती। Sorry to say that I can't go there. Okay. Sorry to say that I can't go there. यहां पर sorry to say that I can't do this. किसी ने आपसे कहा यार ये काम कर दीजिए मेरे लिए, किसी ने आपसे कहा भैया ये काम कर दीजिए मेरे लिए, आपने कहा sorry to say that I can't do this. आप ये मत बोलिएगा I can't do this. नहीं, इस तरह से आप बोलेंगे तो घमंडी कहलाएंगे। तो क्या कहना है आप लोगों को साथियों, आपको बोलना है सॉरी टू से दैट आई कांट डू दिस। अब आप फिर से आ जाइए, आप इसमें से देखिए आपका फेवरेट कौन सा बना, सॉरी टू से दैट, आई एम सॉरी टू से दैट, आई एम सो सॉरी टू से दैट आई कांट डू दिस, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट आई कांट हेल्प यू, आई एम रियली सॉरी टू से दैट आई कांट हेल्प यू, I'm extremely sorry to say that I can't go there. I'm terribly sorry to say that I cannot give you money. For our sake, यहां पर to say that के साथ ये जो can't वाला formula है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं वहां नहीं जा सकता, for our sake, sentences की बरसात कर दीजिए, वहां से बोलना शुरू कर दीजिए, यहां से कमेंट शुरू कर दीजिए। और जो नए बच्चे हैं इस चैनल पर, इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और भी मेरी नोटिफिकेशंस और भी वीडियोस, यूं ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। चलो फटाफट से आ जाइए। सो लेट मी टेक योर सेंटेंसेस, देखता हूं आपके सेंटेंसेस ले लेता हूं। यहां पर मुकेश कुमार, ओके सर, मैंने आपकी वजह से बहुत सुधार किया है। कुलदीप बेटा, इस तरह से आप और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो बेटा। कुलदीप चौहान, थैंक यू बेटा, बहुत सुंदर फैक्ट बोल रहे हैं, डीएसएल इज बेस्ट। देखिए आप लोगों ने हमें बेस्ट बनाया है, राइट? आप लोगों ने देखा, आप लोगों के जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, आप लोगों जो प्यार है, मैं चाहूंगा यूं ही बना रहे।
आपका जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जो आप कमेंट्स देते हैं, कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, बड़ा मजा आता है आपके कमेंट्स देखकर, भगवान कसम आपके कॉम्प्लीमेंट्स ना एक अंदर से एनर्जी देने का काम करते हैं कि भाई कितना प्यार करते हैं आप हमसे, राइट? तो इस तरह से देते रहे, बहुत अच्छा लगता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, आपसे देखते हैं नेक्स्ट पे क्या है हमारे पास। नेक्स्ट पे देखते हैं नया। अब कुछ बच्चे मेरे से ये कहते हैं, सर सॉरी मैं तो आपने इतना बता दिया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सर कुछ नया बता दीजिए। तो भाई मैं आपके लिए नया भी लेकर आया हूं, मैं हर बच्चे के हिसाब से क्लास बनाता हूं। भाई आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमें कुछ और अल्टरनेटिव दीजिए, तो अल्टरनेटिव लीजिए ना, किसने रोका है? देखिए यहां पर, तो यहां पर थर्ड है, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। यहां देख सकते हैं, पिक में भी देख सकते हैं, यहां पर जो लड़का कह रहा है कि भाई मैं इस काम की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, ठीक है, क्या बोल रहा है देखते हैं यहां पर। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, आई शुडंट, शुड नॉट को बोलते हैं, शुडंट, आप शुडंट या शुड नॉट बोल दीजिए, आई शुड नॉट हैव डन इट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, आई शुड नॉट हैव डन इट, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, आई शुड नॉट हैव ब्रोकन योर मोबाइल, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे आपका मोबाइल तोड़ना नहीं चाहिए था। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, आई शुड नॉट हैव इंसल्टेड हिम, मुझे उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, जहां पर आप सॉरी बोलते हैं उसकी जगह पर आप आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, हुआ ना मजेदार। अभी तो देखो बहुत सारी चीजें लेकर आया हूं आपको, अभी तो देखो ट्रेलर ही चल रहा है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी बहुत कुछ लेकर आया हूं, एंड तक देखिएगा वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है कसम से, बहुत अच्छी चीजें लेकर आया हूं, देखिएगा बहुत अच्छा, आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, आई एम सो सॉरी, अभी मैंने बताया था आई एम सो सॉरी, जितने भी मैंने बताया था उसमें बींग भी लगा सकते हैं, आई एम सो सॉरी फॉर बींग लेट, I'm so sorry for hurting you, right? तो क्या यूज कर सकते हैं यहां पर आप, being यूज कर सकते हैं, sorry के बाद for लगाकर आप being लगा दीजिए या fourth form लगा दीजिए, I'm so sorry for hurting you, right? I'm so sorry for hurting you, I'm so sorry for being late, I'm so sorry for dropping your mobile, is that fine? क्लियर? तो सो सॉरी के बाद आप फोर लगा के उसमें फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं, आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लेट, मतलब मैं लेट हो गया उसके लिए मुझे माफी चाहिए, ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लेट। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास, जो मैं बताता रहा हूं रिपीट करते दिए, बहुत सारी नई नई चीजें आपके लिए लेकर आया हूं। नेक्स्ट, और बहुत ही कमाल का है, बहुत अच्छा लगता है ये, I hope you can forgive me. I hope, मैं भाई उम्मीद कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मुझसे आपका कोई काम खराब हो गया, राइट? कुछ भी जो चीज था वो खराब हो गया, तो अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, I hope you can forgive me. I hope you can forgive me. I hope you can forgive me. आपके फ्रेंड ने कुछ आपके सामने शर्त रखी, आपने मना कर दी, लेकिन आपने देखा कि आपका फ्रेंड रूठ गया है, तो आपने कहा I hope you can forgive me. I hope you can forgive me. ठीक है, forgive me, forgive me. ठीक है, I hope you can forgive me. मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है आप मुझे माफ कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हैं. I hope you can forgive me. ठीक है, so I hope you can forgive me for dropping your mobile. मतलब इस लड़के से किसी का मोबाइल छूट गया, ठीक है, तो उसके गिर गया, टूट गया, और अभी माफी मांग रहा है. आई होप यू कैन फॉरगिव मी फॉर ड्रॉपिंग योर मोबाइल. मान के चले जाने अनजाने में आपसे किसी के लिए कुछ गलत शब्द इस्तेमाल हो गए, है ना, तो क्या बोलेंगे आप? आई होप यू कैन फॉरगिव मी फॉर मिसबिहेविंग विद यू. आई होप यू कैन फॉरगिव मी फॉर मिसबिहेविंग विद यू, राइट? इस्तेमाल कर रहे हैं आप सभी, ओके, ऑल यू आर एंजॉइंग, मजा आ रहा है आप लोगों को कुछ नया सीख कर, चाहे कॉमेंट्स में बताते भी रहे कि सर कितना अच्छा लग रहा है, आपके कॉमेंट्स एक एनर्जी देने का काम करते हैं. यस, कम ऑन, आई होप यू कैन फॉरगिव मी फॉर अब्यूजिंग, ओके, ड्रॉपिंग योर पेन, बहुत बढ़िया.
यस 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 यस, बहुत सुंदर, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक कर दिया ना आप लोगों ने, वीडियो लाइक कर रहे हैं ना, साथ में लाइक और कमेंट चल रहे हैं ना। चलो बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। बस यही तो आप लोगों का प्यार है और क्या, यही तो प्यार आपका मुझे एनर्जी देने का काम करता है, बस ये प्यार बना रहे हमेशा। ठीक है, क्लियर। फिर देखिए कमाल हो जाएगा यार, देखिए क्या क्या नहीं कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखें यहां पर क्या है, नेक्स्ट है आई सिंसियरली अपोलोजाइज। गाइज बी केयरफुल अबाउट दैट, दिस इज रियली वेरी फॉर्मल यू नो वे टू से सॉरी। ये बिल्कुल फॉर्मल है एंड दैट इज एक्सेप्टेड इन ऑफिस एज वेल एंड दैट इज एक्सेप्टेड इट इन द कम्युनिकेशन एज वेल, इन रिटन कम्युनिकेशन एज वेल। रिटन कम्युनिकेशन जो होता है ना, जो ईमेल भेजते हैं, मेल भेजते हैं, लेटर लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं, लेटर्स में लिखते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, वहां पर ये ऑफिशियली अप्रूव्ड है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इफ यू वांट टू शो योरसेल्फ दैट यस यू हैव एटिकेट्स, आपके अंदर एटिकेट्स हैं, आप किसी अच्छी टॉप सोसाइटी के पर्सन हैं, टॉप किसी कंपनी के साथ जॉब करते हैं, टॉप लीडरशिप में आप हैं और आपसे कोई गलती हो जाए तो यहां पर ये यूज करना है। आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा जो टॉप पोजिशन पर हैं, स्पेशली जो टॉप पोजिशन पर है उनके लिए बनाया है। ठीक है, जो किसी ऑफिस में है, एमएनसीज में है, किसी लीडरशिप में है, एजुकेशन इंडस्ट्री में है, उनके लिए ये रिटन में भी काम आएगा और स्पीकिंग दोनों में काम आएगा एंड दैट्स रियली 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 ब्यूटीफुल वे टू से सॉरी। ठीक है, तो आप इसको देखते हैं यहां पे कैसे यूज करेंगे। आई सिंसियरली अपोलॉजीज, अपोलॉजीज अपोलॉजीज मतलब सिंसियरली अपोलॉजीज का मतलब ये है आई सिंसियरली अपोलॉजीज फॉर गिविंग यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। देखिये यहां पर इस वर्ड को आप इन्फॉर्मेशन मत बोलना, This is not information. This is called information. क्या बोलते हैं? Information. Not information. Information, right? So I sincerely apologies for giving you wrong information. मतलब ये जो व्यक्ति है ये आपको कुछ अलग information देना चाहता था लेकिन जाने अनजाने में कुछ और information उसने आपके पास पहुंचा दी और उसे लगा कि यार मैंने गलत information पहुंचा दी है। तो उसने क्या लिखा, क्या बोला? उसने बोला I sincerely apologies for giving you wrong information. मतलब मेरा इरादा नहीं था आपको wrong information देने का। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई सिंसियरली अपोलॉजीज फॉर हर्टिंग यू। अगेन आपको करना क्या है, आपको इस अपोलॉजीज के बाद फॉर लगाकर आपको वी फॉर इस्तेमाल करनी है। दैट्स इट, ये एक स्ट्रक्चर बन गया आप लोगों के लिए। मतलब आई सिंसियरली अपोलॉजीज के बाद फॉर लगाइए फिर वी फॉर लगाइए। आई सिंसियरली अपोलॉजीज फॉर हर्टिंग यू, आई सिंसियरली अपोलॉजीज फॉर कमिटिंग मिस्टेक, I sincerely apologies for dropping your mobile, right? इस तरह से तो sincerely apologies, so being a sincere person, sincere apologies कैसी मांगी जाती है ये दोस्तों मैंने आपको यहां बता दिया। चलिए आप इसमें सेंटेंस बनाते रहिएगा, चेक भी करता रहूंगा आपके सेंटेंसेस। सो लेट मी गिव यू द अनदर वे ऑफ से सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, It was careless of me. लापरवाही जहां पर आप दिखाते हैं अपनी, It was careless of me. It was careless of me to hurt you. तो यहां पे क्या करना है दोस्तों आपको, यहां पर टू के साथ आपको वी वन रखना। देखिए हर आपको सॉरी के स्ट्रक्चर पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता के दिखा रहा हूं वर्ड पर। मतलब इट वॉज केयरलेस ऑफ मी के बाद टू लगाकर आप वी वन लगा दीजिए। इट वॉज केयरलेस ऑफ मी टू हर्ट यू, मेरी लापरवाही थी कि मैंने आपको हर्ट किया, मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन कर दिया है ना, तो माफ की तो बनती है। इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, मेरी लापरवाही की वजह से मैंने आपको हर्ट किया। ठीक है, सो इट वॉज केयरलेस ऑफ मी टू हर्ट यू, इट वॉज केयरलेस ऑफ मी टू मिसबिहेव विद यू। क्लियर, सो इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, बहुत ही प्यारा वर्ड है, सॉरी कहने का अलग तरीका है, मजेदार तरीका है। आप बोल सकते हैं इट वॉज केयरलेस ऑफ मी टू हर्ट यू। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं ये, अगर आप जाने अनजाने में अपने फ्रेंड को हर्ट कर दिया है ना, अब वो रूठ गया है और रूठ गई है तो मना लीजिए यार, किसने रोका है, ये वाला बोलिए ना इट वॉज केयरलेस ऑफ मी टू हर्ट यू। ठीक है, मान जाएगी, मान जाएगा। ठीक है, तो करना है, बोलना है यार, कमाल के मैं आपके पास सॉरी के वर्ड्स लेकर आ रहा हूँ। और भाई जब आप इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलोगे ना तो कोई भी आपको ना एक्सेप्ट करेगा आपके सॉरी को और आपके साथ फिर से
एंजॉय करेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास प्लीज एक्सक्यूज माय, देखिए अब इस वर्ड को पढ़िए, पहले आप पढ़िए फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रोनाउंसिएशन होती क्या है। इस वर्ड को पढ़िए फटाफट से, क्या ये क्या बोलते हैं आप, वहां से पढ़िए एक बार, पढ़िए पढ़िए वहां से क्या बोल रहे हैं आप। ओके यस कम ऑन, पढ़िए वहां से, कितने बच्चे पढ़ पा रहे हैं इस वर्ड को एक बार पढ़ना, कैन यू प्लीज रीड दिस वर्ड, फिर यहां से मैं पढ़ता हूं एंड लेट मी चेक, फिर चेक करते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। चलो तो यहां पर अगर किसी ने ये पढ़ा है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस अगर पढ़ा है तो गलत पढ़ा है, इग्नोरेंस नहीं होता, एक बार फिर से बता दूं, इग्नोरेंस नहीं होता, दैट्स कॉल्ड इग्नोरेंस, इग्नोरेंस नॉट इग्नोरेंस। फिर से सुन लीजिए, इग्नोरेंस नहीं बोलना, इग्नोरेंस बोलना है, इग्नोरेंस इग्नोरेंस, सुन लीजिए एक बार, इग्नोरेंस 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 इग्नोरेंस, इग्नोरेंस नहीं बोलना, जिस जिसने भी इग्नोरेंस बोला ध्यान रखना इग्नोरेंस नहीं होता। चलो देखते हैं यहां पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या बोलेंगे हम, प्लीज एक्सक्यूज माय इग्नोरेंस, इग्नोरेंस नहीं इग्नोरेंस, आई हैव नॉट सीन यू। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फ्रेंड्स को अपने घर पार्टी में इन्वाइट किया, आपके कई सारे फ्रेंड्स आए, कुछ एक फ्रेंड्स थे वहां पर जिनको आपने क्या किया, देखा नहीं, राइट right? और बाद में आपने देखा, राइट right? बाद में आपने देखा, आपने क्या कहा, एक्सक्यूज मी या प्लीज एक्सक्यूज माय इग्नोरेंस, आई हैव नॉट सीन यू, आई हैव नॉट सीन यू, प्लीज एक्सक्यूज माय इग्नोरेंस, आई हैव नॉट सीन यू, राइट आई हैव नॉट सीन यू। फॉर एग्जाम्पल आपसे कुछ गलती हो गई, प्लीज एक्सक्यूज माई इग्नोरेंस, आई हैव ड्रॉप योर मोबाइल, प्लीज एक्सक्यूज माई इग्नोरेंस, आई हैव हर्टेड यू, मेरी इग्नोरेंस थी कि मैंने आपको हर्ट कर दिया, ठीक है मैंने ये कर दिया, मैं आपके साथ बदतमीजी कर दी, प्लीज एक्सक्यूज माई इग्नोरेंस, ठीक है। सो बहुत ही प्यारा वर्ड है ये, और उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन सही समझ में आ चुकी होगी। इग्नोरेंस इग्नोरेंस कभी मत बोलना, राइट क्लियर, बेइज्जती हो जाएगी, ध्यान रखना, इग्नोरेंस होता है इग्नोरेंस नहीं होता। चलो नेक्स्ट इज इट वॉज माई मिस्टेक, आप बोल सकते हैं इट वॉज माई मिस्टेक, आप बोल सकते हैं इट वॉज माई फॉल्ट, इट वॉज माई मिस्टेक, इट वॉज माई फॉल्ट, राइट इट वॉज माई मिस्टेक, इट वॉज माई फॉल्ट, मेरी गलती थी ये, इट वॉज माई फॉल्ट, तो सिंपल है, तो बिल्कुल सिंपल है, इट वॉज माई फॉल्ट, इट वॉज माई मिस्टेक, इट वॉज माई मिस्टेक, आई डिड मीन टू हर्ट यू, ठीक है आई डिड मीन टू हर्ट यू, इट वॉज माई मिस्टेक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आप कहोगे सर एक्सक्यूज मी सॉरी की जगह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कैसा वर्ड हो गया, एक्सक्यूज मी सॉरी की जगह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, समझिए पहले सिचुएशन को, समझिए पहले। आप तो कहोगे सर एक्सक्यूज मी तो किसी का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है, मैं मानता हूं होता है, लेकिन समझिए यहां पर एक्सक्यूज मी कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक्सक्यूज मी कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब आप मीटिंग में हैं, किसी के साथ हैं, अब आपको कोई अर्जेंट फोन आ गया, अर्जेंट कॉल आ गई, अब मीटिंग के दौरान आप उस मीटिंग को एकदम से छोड़ के तो नहीं जाएंगे, छोड़ के तो नहीं जाएंगे, मैं जा रहा हूं, ठीक है नहीं, आप वहां पे क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी और प्लीज बोल के निकल जाइए, एक्सक्यूज मी मतलब आप कहना चाह रहे हैं सॉरी मैं इस मीटिंग से बाहर जाना चाहता हूं, तो एक्सक्यूज मी बोल के जाइए आप, एक्सक्यूज मी प्लीज, ठीक है और मीटिंग से बाहर चले जाइए, एक्सक्यूज मी बोलकर, राइट। तो ये भी एक सॉरी का तरीका है दोस्तों, नया तरीका किसी ने बताया नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिए अपने नोट में कि एक्सक्यूज मी भी बोल सकते हैं जब आप किसी मीटिंग में सेमिनार में वहां से बाहर जाना चाहते हैं, तो एक्सक्यूज मी बोलकर जा सकते हैं, वो सॉरी का काम कर रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास माय अपोलॉजीज, माय अपोलॉजीज, गाइज यू हैड मी राइट, माय अपोलॉजीज, आप शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं माय अपोलॉजीज, राइट मेरी गलती है, मैंने अपनी गलती मान ली है, माय अपोलॉजीज, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, ठीक है अब माय अपोलॉजीज, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, माय अपोलॉजीज, जहां पर आप सॉरी नहीं बोलना चाहते, सॉरी शब्द नहीं लगाना चाहते,
राइट, और शब्द नहीं लगाना चाहते वहां लगा दीजिए माय अपोलॉजीज, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। तो क्या आप ऐसा बोल रहे हैं फटाफट से वहां से फटाफट से कमेंट करके बताएं माय अपोलॉजीज में और क्या क्या बोलना चाहते हैं। माय अपोलॉजीज में कोई भी सेंटेंस आप लगा दीजिए, राइट, किस चीज के लिए आप अपोलॉजीज मांग रहे हैं। माय अपोलॉजीज आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू, माय अपोलॉजीज आई डिडंट मीन टू राइट मिसबिहेव विद यू, क्लियर। सो माय अपोलॉजीज, यस, यू आर मेकिंग सेंसेस, आई अप्रिशिएट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करते रहे इस तरह से, करते रहे। रजत कुमार, फरीदा, रविंदर, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, बनाते रहे। जब तक नेक्स्ट स्क्रीन पर वर्ड नहीं आता उस पर आप सेंटेंसेस कॉमेंट करते रहे। और हाँ, जो बच्चा नया है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लेकिन क्लास के बाद। नेक्स्ट है माय बैड। आप कहोगे सर माय बैड भी ये बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, माय बैड। माय बैड कैसे बोल सकते हैं दोस्तों? माय बैड आपको शुरू में यूज करने है। माय बैड मतलब गलती मान लिया आपने, सॉरी बोलना चाह रहे हैं, माय बैड आप बोलिए। जहां पर आपने माय अपोलॉजीज बोला था वहां पर आप बोल सकते हैं माय बैड, आई डिडंट मीन टू इंसल्ट यू। मतलब यहां पर देख सकते हैं, ये जो एक गर्ल है अपने फ्रेंड की, इसने कहीं पर पब्लिकली इंसल्ट कर दी होगी, अब बाद में ये बोलना चाह रही है माय बैड, आई डिडंट मीन टू इंसल्ट यू, मेरा मकसद आपको इंसल्ट करना था लेकिन क्या करूं अब, माय बैड, अब फ्रेंड्स में था, हो गया, ठीक है, माय बैड, आई डिडंट मीन टू इंसल्ट यू। सो बहुत ही प्यारा वर्ड है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है माय बैड, मैं भी यूज कर लेता हूं कई बार, तो आप भी यूज करिए माय बैड, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कमाल का वर्ड आने वाला है, बहुत ही ज्यादा। और मैं आपको बता दूं, आपका कंप्यूटर भी आपसे कई बार सॉरी बोलता है, आपका कंप्यूटर जिसमें आप बोलते हैं ना, अपना मोबाइल कंप्यूटर, कई बार एप्लीकेशंस में वो कैसे सॉरी बोलते हैं, वो सॉरी आप भी बोलते हैं, वो स्लैंग्स के अंदर बोलते हैं। आपका पीसी भी कई बार आपको सॉरी बोल देता है, लेकिन आपको पता है कैसे बोलता है वो सॉरी नहीं लिखता सॉरी, वो कुछ अलग तरीके से बोलता है। आपके कई बार गैजेट्स में भी लिखा आता है, वो किस तरह से लिखा आता है वो बताता हूं, लेकिन आप डे टू डे लाइफ में आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। चलो देखते हैं क्या है वो। वो है हमारे पास ओप्स, इट इज काइंड ऑफ स्लैंग, स्लैंग एक्सप्रेशन है, एक्सक्लेमेशन, राइट, ओप्स सुना होगा आपने, ओप्स। और दूसरा है वुप्स, ओप्स एंड वुप्स में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Oops, oops, बहुत ज्यादा देखा गया है लोग सॉरी के लिए इस्तेमाल करते, oops, I dropped your mobile, oops, I dropped your mobile, oops, I insulted you, ठीक है, oops, I hurted you, whoops, oops and whoops, whoops या oops में से जो आपको अच्छा लगे आप अपनी लाइफ में बोल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत ही प्यारे वर्ड्स हैं ये, बहुत सारे वर्ड्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता हूं दोस्तों। तो बस आप लोगों से मैं क्या चाहता हूं, आप लोगों से चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पर आप कॉम्प्लीमेंट करें, बताएं कि कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है आपको सीखकर, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितना इंप्रूव हुआ है, ये जरूर लिखें ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें उस चीज को, उनको लगे कि हाँ कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू लर्न समथिंग। Yes or no? Like हमेशा करते रहे, आपका लाइक, मोटिवेशन, कॉम्प्लीमेंट्स मुझे बहुत अंदर से एक एनर्जी देता है, तो वो रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, है ना, वो भी रुकना नहीं चाहिए। अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं यहां पर, कुछ और इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के वर्ड्स सीखना, आप अपने घर पर बैठकर सीखना, तो हमारी जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, अभी ऑफर चल रहा है, कितना ऑफर चल रहा है, 50% ऑफर चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये कब ऑफर खत्म हो जाएगा, गॉड नोज, ठीक है, हम भी नहीं जानते अभी। तो आप अपने इस ऑफर का फायदा उठाएं, बुक्स को अपने घर पर अभी के भी मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट, आपको जैसा कि बताया था हमारे यहां पर इंग्लिश के 4 से 5 चैनल हैं, डीएसएल इंग्लिश, राइट, मतलब भारत का नंबर वन चैनल है इंग्लिश का, 60 लाख तो लोग इस पर जुड़े हुए हैं, लगभग करोड़ों लोग इंडिया और इंडिया के बाहर के लोग अपने विश्वास के साथ इस चैनल को देखते हैं, राइट, एंड द फाउंडर ऑफ दिस चैनल इज मिस्टर धर्मेंद्र कुमार, नाम ही काफी इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो यहां पर दूसरा जो चैनल है डीएसएल स्पोकन इंग्लिश, जिसपे आज आप क्लास ले रहे हैं, राइट,
जिस पर आज आप क्लास ले रहे हैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए. डीएसएल लर्निंग ये भी यहाँ पर एक और चैनल है, डीएसएल लर्निंग, वहां पर भी बहुत सारा कंटेंट है, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए. डीएसएल एग्जाम क्रैकर, डीएसएल एग्जाम क्रैकर, एग्जाम बेस्ड कॉमन एरर्स और भी जो एग्जाम्स बेस्ड एक्सरसाइज होती हैं, इस चैनल पर आपको प्रैक्टिस पूरी की पूरी मिलती है. और लास्ट में कई बार बच्चे अपनी लाइफ में ना निराश हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ना मोटिवेशनल चैनल बनाया गया है. कौन सा चैनल है देखते हैं चलिए. बी तूफान मोटिवेशनल चैनल है यार, कमाल का चैनल है. बहुत लोगों को यहां से मोटिवेशन मिलती है और बहुत लोग मोटिवेशन पाकर अपनी लाइफ में बहुत कुछ बन चुके हैं. और हाँ, लास्ट हमारा जो है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप. आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा, कुछ और सारी चीजें लेना, तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप में भी जाकर पीडीएफ कुछ वोकैबुलरी के फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. ऑप्शन वहां पर मिला हुआ है आप लोगों को, राइट. सो प्ले स्टोर पर जाएगा, रिव्यू जरूर दीजिएगा आपको कैसी क्लासेस लग रही हैं. प्ले स्टोर पर भी दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्स, आप यूट्यूब के कॉमेंट्स में भी दीजिएगा, राइट. सारी चीजें आपको करनी है यहाँ पर. और हाँ, आप लोग बात करना चाहते हैं हम लोगों से, आप बातचीत करना चाहते हैं, सर हमें ये चीज चाहिए, वो चीज करनी है, आप नंबर लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए फटाफट से 9990936964. अगर ये जो नंबर है ना, दिस इज द मेन नंबर. और अगर ये नंबर आपको नहीं मिल पा रहा है, इनकेस इंगेज आ रहा है मिल नहीं पा रहा, तो यहां पे देखिए कई सारे नंबर हैं, यहां पे देखिए कई सारे नंबर हैं, यहां पे भी देखिए कई सारे नंबर हैं. आप किसी भी बात कीजिए, और हेल्पलाइन नंबर नीचे भी चल रहा है देखिए, तो नंबर्स बहुत सारे हैं, डीएसएल हेल्पलाइन नंबर्स हैं. आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, मैं और धर्मेंद्र सर मिलकर आपके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे, और हमेशा हम आपके साथ हैं. और हाँ, एक बात ध्यान सुनिएगा, सक्सेस नेवर कम्स फ्रॉम जस्ट थिंकिंग, सक्सेस नेवर कम्स फ्रॉम जस्ट थिंकिंग, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम टेकिंग राइट एक्शंस. राइट एक्शंस है. आई एम योर ट्रेनर संदीप मुद्गल एंड रिमाइंडिंग यू अगेन, स्पोकन इंग्लिश इज नॉट अबाउट द परफेक्शन, इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन बिटवीन यू और योर लिसनर्स. ये स्पोकन जो इंग्लिश है ना, पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, एक कनेक्शन बनाता है आपका आपके दोस्तों के साथ, राइट, और भी लोगों के साथ, पब्लिक स्पीकिंग जिसे बोलते हैं. सो थैंक यू सो मच. अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप संदीप सर को सुन रहे हैं. मैं संदीप आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं, करता था और करता रहूंगा. और लास्ट में एक बार फिर से उस पंक्ति को मैं दोहराना चाहूंगा यहां पर. पंक्ति क्या है, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं. ठीक है, अपने हौसलों को हमेशा हाई रखने, हाउ द जोश, तो जोश हाई होगा मुझे लग रहा है आप लोगों का. हाउ द जोश, जोश हाई है ना आप लोगों का, चलो ऐसे ही बना होना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्स, कमेंट्स, लाइक लगातार बने रहने चाहिए आप लोगों के. और अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेनिफिट मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, तो करना है क्या आप लोगों को, इस वीडियो का कॉपी करें. कॉपी करने के बाद इसका लिंक आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम ग्रुप में, हर जगह पर उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इंग्लिश की वाकई में एक अच्छी नॉलेज चाहिए. वरना तो चैनल हजारों लाखों हैं, लेकिन अच्छी नॉलेज चाहिए तो उनके साथ शेयर जरूर करें. ठीक है, क्योंकि कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं ना तो ऊपर वाला खुश होता है, तो मदद कीजिए ना, किसने रोका है. मदद की चेन चलती रहनी चाहिए, क्रांति ला दीजिए आप भी हमारे साथ, हम सब मिलकर क्रांति लाएंगे इस भारत के अंदर. So thank you so much everyone for taking this beautiful session. I'll be back with amazing session and lesson soon. Till the time, keep smiling. Smile करते रहिए, बहुत जरूरी है. आपके smile दूसरों के चेहरे पर smile ला सकती है. Keep learning, keep practicing. और हाँ, ध्यान रखना है अपनों का भी और अपना भी. Bye bye. Take care. Good night.